11 नवंबर सोमवार को असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में मोरन और मोंटक समुदाय के सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जा देने की अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। पहचान प्रक्रिया में देरी के कारण आक्रोश बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क जाम, टायर जलाने और क्षेत्र भर में अन्य व्यवधानों की घटनाएं सामने आई। इसके जवाब में दोनों जिलों को बंद कर दिया गया और स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की। ऑल मोरन स्टूडेंट यूनियन AMSU और ऑल असम मोटक यूथ छात्रा सम्मेलन AAMYCS ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में 12 घंटे की बंदी की घोषणा की, जिससे उनकी मांगों की गंभीरता को दर्शाया। डिब्रूगढ़ के जिला आयुक्त विक्रम कैरी ने बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। तिनसुकिया प्रशासन ने भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाई और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया। इस बीच डिगबोई में प्रदर्शन और भी तीव्र हो गए, जहां मोरन स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के पुतले जलाए, जो सरकार की एसटी दर्जा मुद्दे पर निष्क्रियता को लेकर अपनी असंतोष का प्रतीक था। Lucky boy, lucky boy. Oh, that's in order. 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 Oh, that